सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम बनवाला। सो देखिए गाइस, अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th का मैथ्स है चैप्टर 2 से। ठीक है, तो इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सो अभी देखिए, मैं इसको मोबाइल में देख रहा हूँ, ठीक है ना। सो इसमें पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ वाई, यानी कि जो पॉलिनोमियल है, यानी कि एक ग्राफ दे दिए गए हैं हमें, कोई भी इक्वेशन है वाई, ठीक है ना, उसके जो ग्राफ्स दिए गए हैं उसमें एक पॉलिनोमियल है जो पी एक्स, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, ठीक है ना। सो इस जो ग्राफ में है हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो एक्स है ना, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें एक्स उसकी कितनी जीरोस हो सकती हैं। सो अभी देखिए, हमको जो वेरिएबल दिया गया है वो एक्स है। सो अब सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पे जितनी बार हमारा जो एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे अब ये जो लाइन दी गई है हमें इन फोटोज में दी गई है, सो जो भी ये लाइंस एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेंगे उतनी हमारी जीरो होंगी, ठीक है ना। सो अभी फर्स्ट केस में देखते हैं। देखिए, जो हमारे फर्स्ट केस में है, ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी नहीं कट कर रही है। सो हमारी जीरोज क्या होंगी, इसमें कोई जीरोज नहीं होंगी, ठीक है ना, तो हमारी नो जीरोज हो जाएंगी इसमें। अब सेकंड केस में देखिए, जो हमारी लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। सो अभी देख सकते होंगे आप, एक्स एक्सिस को भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसकी जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, वन ही होंगी। अब थर्ड केस में है, हमारे चलते हैं थर्ड केस में, जो ये पॉइंट है ये कितने पे जा रही है, वन टू थ्री, थ्री पॉइंट्स पे कट कर रही है जो हमारी लाइन एक्स एक्सिस हो। सो हमारी कितनी जीरोस हो सकती हैं, थ्री, ठीक है ना, थ्री जीरोस हो सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारी फोर्थ केस में, जो हमारी इसमें देखिए, जो एक्स एक्सिस पे जो हमारी लाइन है ये देखिए वन टू, ठीक है ना, वन टू, यानी कि टू पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारी जीरोस होंगी वे क्या होंगी, टू जीरोस हो जाएंगी। अब जो फिफ्थ केस है, इसमें देखिए हमारी जो एक्स एक्सिस पे जो वन टू थ्री और फोर, यानी कि फोर पॉइंट्स पे कट कर रही है। सो अब ये जो हमारी जीरोस होंगी ये कितनी होंगी, फोर जीरोस होगी। और जो ऐसे ही हमारा सिक्स था, इसमें वन टू थ्री, थ्री होंगी। सो इसमें जो हमारी जीरोस होंगी कितनी होंगी, थ्री जीरोस होंगी, यानी कि जो ये ऐसा था हमारा ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था। सो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है ये फिनिश होती है, बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम बनवाला। सो आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि हम स्टेटमेंट देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन में उनको पूछा क्या गया है कि जो हमारा जो पॉलिनोमियल है पहले तो उसकी जीरोस फाइंड करनी है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद जो उनके कोफिशियंट्स है उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अगर आपको कोफिशियंट्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करनी आती तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा एडवांस में, जो कोफिशियंट में रिलेशनशिप होते हैं, कोफिशियंट क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल के साथ जो टर्म्स होती हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स के साथ जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं। अभी इसमें जैसे कि ये हमारी इक्वेशंस है, इसमें वेरिएबल क्या हमारा एक्स, अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये वन के साथ मल्टीप्लाई है, और एक्स के साथ यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई है, सो इसका कोफिशियंट टू हो जाता है, ठीक है ना। सो ये होते हैं हमारे कोफिशियंट, और इनकी रिलेशनशिप क्या होती है कि जो हमारा ऑलवेज जो भी पॉलिनोमियल की जीरोस निकलेगी उन जीरोस का सम इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाय ए। बी बाय ए क्या होती है, यहाँ पे देखिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो इनकी जो पावर है क्या है, टू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स वे होते हैं जिनमें जो डिग्री होती है वो हमेशा हायर डिग्री टू होती है, ठीक है ना। अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ये होती है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। अभी इसमें क्या कहा गया है कि जो बी, यानी कि बी हमारा टू है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसमें जो बी और बाई ए, ए क्या इसमें हमारा वन है, ठीक है ना, ये इक्वल होना चाहिए ऑलवेज जो भी इस पॉलिनोमियल की जीरो निकलेगी। जीरो मान लीजिए हमने को अल्फा बीटा होती है, ठीक है ना, वैसे हम अल्फा बीटा मान के चलते हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा जो जीरोस निकलेंगे हमारी, इनका जो इन, यानी कि दोनों जो इनका सम और प्रोडक्ट, सम तो होना चाहिए इनका किसके, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो जीरोस का सम होना चाहिए माइनस बी बाय ए के, और इनका जो प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है जो, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाय ए के, ठीक है ना। सो इसी जो थ्योरी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं इसका, सो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सो पहले हम जीरो निकालने के लिए इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा है। अब जो हमारा जो सी होता है, सी हमने पढ़ा था कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सी का जो सी हमारा इसमें एट है, यानी कि जो फैक्टर्स होंगे, यानी कि जो यहाँ पर होगा वो एट की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई एट के इक्वल होनी चाहिए। सो अभी
8 × 180 आता है, ठीक है ना। अब इसके जो फैक्टर्स हो जाते हैं वो होते हैं -4x - 2 -8 ऐसे का ऐसे, ठीक है ना हमारा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यही इक्वेशन ऐसे मैं -4x में से प्लस के 2x घटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -2x ही आ रहा है, इक्वेशन वही की वही है। अभी देखिए इसमें फर्स्ट, इसमें देख लीजिए फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x रह गया, -4x में से x कॉमन ले लिया तो -4 आ गया, और इसी के साथ अगर हम इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, सो इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाता है, x माइनस 4, ठीक है। अब x माइनस 4 कॉमन को लिया हमने, प्लस का 2 लिया है, ठीक है ना। सो अब देखिए इसमें जो x माइनस 4 तो हमारी ये हो गए, एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है हमारा, x प्लस 2, ठीक है ना। इस इक्वेशन के ये दो फैक्टर हो जाते हैं। अभी हमसे पूछा गया कि जो इनकी जीरोज, जीरोज क्या होती हैं, वो चीजें पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो क्या होती है, कि ऐसी वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह रखने पर जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। अब इन दोनों को जीरो पूछा है तो हम इन दोनों वैल्यू को एक एक बार जीरो के इक्वल रख के देख लेते हैं। x माइनस 4 को मैं इक्वल रखूंगा जीरो के, सो x किसके इक्वल आ रहा है 4 के, और एक बार मैं x प्लस 2 को रखूंगा जीरो के इक्वल, x किसके इक्वल आ रहा है माइनस 2 के। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, x की जो वैल्यूज हो जाती हैं, यानी कि जो इस पॉलिनोमियल के जीरो हो जाएंगी, यानी कि अगर मैं x की जगह -2 या +4 में से कोई भी एक को रखूंगा, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो अब इसी थ्योरी के ऊपर आगे, अब इसने पूछा रिलेशनशिप, जीरो तो हमने निकाल ली, अब रिलेशनशिप क्या होगी, कोफिशियंट में रिलेशनशिप फर्स्ट मैं लिख देता हूं, रिले वेरीफाई कर लेते हैं, चलो वेरीफाई का इसने रिलेशनशिप करने को वेरीफाई। सो वेरीफाई हमने क्या कहा था कि अल्फा और बीटा, यानी कि दो हमारी जीरो हैं, इनका जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 4 + -2, ठीक है ना, प्लस इनका सम हो जाता है और -2 हमारी ये सेकंड जीरो है, किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के, -b इसमें बी क्या है, इसमें 2 है माइनस का, और -1 हो जाता है हमारा ये वाला, ठीक है। अब a हमारा क्या है, इसमें 1 है, एक्स के अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ करता हूँ एक्स स्क्वायर तो ही रहता है, तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये हम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे, प्लस ही हो जाते हैं, और ये माइनस प्लस है माइनस हो जाते हैं, 4 - 2 इक्वल किसके लिख सकता हूँ मैं, 2 के, 4 में से 2 गई कितने रह गए, 2 और 2 = 2, यानी कि जो हमारी रिलेशनशिप है ये इसको पूरा सेटिस्फाई करता है। अब सेकंड रिलेशनशिप देख लेते हैं, सेकंड रिलेशनशिप क्या होती है हमारी, ये थी फर्स्ट, और सेकंड क्या होती है हमारी, कि जो भी इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन जीरोस का प्रोडक्ट कर लेते हैं, फोर अल्फा और बीटा का जो भी प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। सो इसमें जो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, दो जीरो हमारे क्या आई है, 4 × -2 इक्वल होना चाहिए c/a के, c क्या है इसमें हमारा, -8/a, a क्या है वही 1, ठीक है। अब 4 के मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ करूंगा मैं -8, और ये भी -8, ठीक है ना। सो ये हमारा क्वेश्चन इसी के साथ हमारा प्रूव हो जाता है। इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चन करने हैं। अब मैं जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सो इसमें देख लीजिएगा आप। अब इसके फर्स्ट हम फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर क्या होंगे इसके, 4s² - 2s - 2s, ठीक है ना, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं +1। अब इनके फैक्टर बना लेते हैं, s में से s कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। अब अगर मैं 2s को इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो क्या अंदर रहता है, 2s। अब ये कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या रह जाता है, 1, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं, 2s की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे सो यही आएंगे, यही दोनों वैल्यू हमारे पास निकलेंगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2s - 1, ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं, -1 लेता है, ठीक है, -1 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। सो अभी इसके जो फैक्टर होंगे वे क्या होंगे, 2s - 1 × 2s - 1, एक ही जैसे आ रहे हैं फैक्टर, ठीक है। अब इसकी जो जीरोज होंगी वह क्या होंगी, 2s - 1 को 0 के इक्वल रख के देख लेता हूँ, 2s इक्वल आ जाता है हमारा 1 के, s हमारा इक्वल आ जाएगा 1/2 के, और सेम वही है, ये भी यही चीज़ है। सो इसकी जो s की वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, 1/2 के, ठीक है ना। So, इसकी दो जीरोस आई हैं, 1/2 1/2। अब इसमें जो हम अल्फा और बीटा उसकी जो रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, वेरीफाई कर लेंगे इसको। सो वेरीफाई करने पर हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या इक्वल होता है हमारा, -b/a के, ठीक है।
अब माइनस बी बाई के तो अल्फा और बीटा का सम निकाल देते हैं, हमारे जीरो क्या 1/2 1/2 सो 1/2 1/2 और जो हमारे जो कोफिशियंट है माइनस बी का जो कोफिशियंट है वो क्या है माइनस का 4 ये भी माइनस का 4 बाई ए हमारा ये क्या है 4 है, इनका एलसीएम क्या आ जाता है 2 और अब देखिए एलसीएम से मैं तो सीधी बात है सीधा ही सॉल्व कर लेंगे सीधा ही ऐड कर देंगे सो 1+1 इक्वल हो जाता है 2 के और -4 -4 माइनस से माइनस कैंसिल 4 1 4 4 1 4 1 आया। अब इस तरफ क्या आता है हमारा 2/2 किसके इक्वल आता है 1 ही के यानी कि जो हमारा 1 है वो किसके इक्वल है 1 के। ये थी हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप यानी कि जो इनका सम है वो सही आता है ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं। सेकंड क्या होता है सेकंड में हमें खोजना होता है इनका प्रोडक्ट यानी कि दो हमारी जीरोज आई हैं इनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए कोफिशियंट ऑफ सी बटे में कोफिशियंट ऑफ ए ठीक है ना। सो मैं सीधा लिख देता हूं प्रोडक्ट जीरोज का जीरोज के हमारी 2 जीरोज हैं 1/2 ही है इक्वल जीरोज हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए सी बाय ए के सी बाय ए के सी हमारा क्या है 1 है और जो हमारा ए है ये क्या है 4 है ठीक है। अब 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करता हूँ 1 1 1 2 2 4 ठीक है 1/4 इक्वल हो जाता है 1/4 के ठीक है। ये था हमारा जो सेकंड रिलेशनशिप था ये भी प्रूफ हो गया ठीक। तो इसी के साथ जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये फिनिश होता है और इसी के साथ हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर इसके थर्ड पार्ट ठीक है ना। सो इसमें जो हमारा जो क्या कहा है जो हमारी जो टर्म दी गई है 6x² - 3 - 7 इसको हम पहले देख लेते हैं x² + bx + c इसकी फॉर्म में है या नहीं ठीक है ना। इसकी फॉर्म में देखिए अब जो हमारा 7x है उस तरफ चला गया है तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं ठीक है ना। तो 6x² अब देखिए 7x हमारा क्या है bx सो मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरफ और माइनस के 3 को इस तरफ जो हमारी नई टर्म है ये बनती है जो हमारी नई एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें 6 3 18 जो इसके फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 6x². अब देखिए 7 आना चाहिए उनका सम ठीक है ना उनका सम क्या आना चाहिए 7 सो मैं 9 2 कितने होते हैं 18 ठीक है ना। सो माइनस के 9x + 2x इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ये हमारा 9x में से अगर मैं 2x को घटा दूं तो कितने बचते हैं माइनस के 7x ही बचते हैं। सो अब 6x² और माइनस के 9x में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है। अब 3x इसमें से अगर कॉमन ले लेता हूं तो इसमें क्या बचता है 2x माइनस के अगर इसमें से भी 3x कॉमन ले लेता हूं तो इसमें क्या रहता है 3 रहता है। इसमें भी वही चीज नहीं रहेगी 2x - 3 और प्लस का 1 इसमें से कॉमन ले लूंगा। अब 2x - 3 एंड 3x + 1 इसके फैक्टर बन गए हैं। अब जो जीरोज होंगी वे क्या होंगी 2x - 3 = 0 और दूसरी जीरो क्या होगी 3x + 1 = 0 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x किसके इक्वल आ जाता है माइनस का 3 उस तरफ गया किसमें हो जाता है प्लस में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है मैं तो इस तरफ हो मतलब इस इक्वल के उस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो फर्स्ट जीरो हमारी आई है 3/2। अब सेकेंड फाइंड आउट कर लेते हैं माइनस का यहाँ पर प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा माइनस का 1 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा इक्वल से डिवाइड में। सो ये आती है हमारी 2 जीरोज। अब इनके कोफिशियंट का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई कर लेते हैं। कोफिशियंट का रिलेशनशिप पहले हम रिलेशनशिप में क्या पढ़ते हैं कि सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल कोफिशियंट ऑफ माइनस बी बाय कोफिशियंट ऑफ ए। सो अब देखिए सम ऑफ जीरोज पूछा है तो जीरोज क्या निकली हमारे 3/2 प्लस में माइनस के 1/3 ये जीरोस निकली हैं किसके इक्वल होना चाहिए कोफिशियंट ऑफ माइनस बी। कोफिशियंट ऑफ बी क्या है ठीक है ना कोफिशियंट ऑफ बी क्या है हमारा 7 है और 7 भी किसका है माइनस का है और ये किसके इक्वल होना चाहिए माइनस एक पहले से ही होता है और ए हमारा जो क्या है वो किसके इक्वल है 6 के ठीक है ना। अब इनको मतलब इक्वल अगर ये वैल्यूज इक्वल निकलती हैं तो ये हमारी जो जीरोज हैं ये ठीक हैं अगर गलत निकलती हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ गलती हुई है ठीक है ना। सो अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व 3/2 - 1/3 एलसीएम इनका सेम नहीं है तो क्या हो जाता है 3 2 6 क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाती है। सो अब देखिए अगर 2 पे 6 है तो 2 3 कितने होते हैं हमारे 6 और 3 3 9। अब इसे ऐसे ही मैसे करते हैं 3 2 6 2 1 2 इक्वल आ जाता है हमारा किसके माइनस से माइनस कैंसिल 7/6 के। सो 7/6 इक्वल हो जाता है हमारे किसके 7/6 के। सो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो बिल्कुल करेक्ट है।
सो अब हम इसका जो प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, अभी इसका जो वेरीफाई करते हैं सेकंड में, इनका प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट इनका क्या होगा, यानी कि जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशियंट ऑफ सी बाय कोफिशियंट ऑफ ए के, ठीक है ना। प्रोडक्ट कर लेते हैं जीरोज का, क्या होगा, जीरोज क्या हमारी 3/2 और ये जीरोज क्या है हमारी -1/3। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस के 1/3 इक्वल हो जाएगा सी, क्या हमारा सी है हमारा यहाँ पर 3, वो भी माइनस का, बाय किसके ए के, ए क्या हमारा 6 है, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर लेता हूँ 3, ये भी कट गया, ठीक है ना। 3 1 3 3 1 3, ऊपर कितना रह गया -1, नीचे कितना रह गया 2, इसमें भी क्या आया हमारा -1/2, यानी कि जो हमारी जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है ना, तो सही है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4u² + 8u, ठीक है ना। इसमें पहले देख लेते हैं हम कॉमन निकल रहा है कुछ ना कुछ, 4u 4 है जो इसमें हमारा कॉमन निकल रहा है और साथ में u भी निकल रहा है। सो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाते हैं हमारे, अब u को 4u को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहता है हमारा u + 2, ठीक है ना। अब जो इसके फैक्टर होंगे क्या होंगे, 4u और u + 2 फैक्टर निकल गए। अब देरी किस बात की है, जीरोस की, सो जीरोस निकाल लेते हैं। 4u को इक्वल रखते हैं 0 के और u+2 को भी हम इक्वल रख लेते हैं 0 के। सो 4u की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, u यहाँ के साथ 4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में होगा अगर 0 के साथ किसी को डिवाइड करते हैं सो क्या होती है, वो वैल्यू 0 ही होती है। और सेम यहीं पर u यानी कि जो हमारा जो 2 है यहाँ पर किसका है, प्लस का, इस तरफ जाएगा माइनस का, ठीक है। हमारी जीरोस निकल चुकी हैं। अब इनका जो सम है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई सम, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है कोफिशियंट ऑफ -b / a के, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सम लिख रहा हूँ, सो 0 + -2, सो इसमें जो हमारा b है वो क्या है, 8 है, ठीक है ना, बी 8 है, और जो हमारा a है वो क्या है, 4 है, ठीक है, और माइनस का है जो, तो माइनस का निशान आगे ही रहेगा। सो 4 1 4 4 के साथ 8 माइनस का है, सो माइनस के 2 आएंगे। अब यहाँ पर 0 के साथ माइनस के 2 है तो माइनस का 2 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 ही रहेगा। सो जो हमारा जीरोज का जो सम है वो ठीक आता है। अब वेरीफाई करते हैं ये प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, यानी कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। अल्फा और बीटा यहाँ पर हमारी जीरो होती है, ठीक है ना। सो अब सी क्या है हमारा, सी यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो हम जीरो ले लेते हैं, ठीक। सो अल्फा और बीटा क्या हमारी, अब देखिए अल्फा जीरो है और दूसरी जीरो क्या है हमारे, माइनस के 2, 0 × में माइनस के 2 किसके इक्वल हो जाता है, 0/4 के, क्योंकि जो हमारा ए है उसकी वैल्यू 4 है। सो अब जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करती है वो भी जीरो हो जाता है, और जीरो के साथ अगर किसी को डिवाइड करते हैं वो भी जीरो हो जाता है। सो ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये भी ठीक है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। सो देखिए गाइस, अब हमारा आता है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या है कि जो हमारी जो वैल्यू दी गई है t² - 15, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी वैल्यू होनी थी वो तो ax² + bx + c में थी, लेकिन इसमें तो bx है ही नहीं, सो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ी सी खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जोड़ना पड़ता है खुद ना खुद, ठीक है ना। अब जो bx है ये क्या था हमारा, 0, कुछ भी नहीं है तो 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है हमारी वैल्यू, t², ठीक है ना, +0.t, जो भी हमारा जो वेरिएबल होता है, +-15, जो हमारी ये वैल्यू ऐसे हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, अब ये 15 है, इसमें कुछ ना कुछ हम खुद से जोड़ेंगे, मैथ्स है भाई, मैथ्स तो देखो ऊंच नीच तो होती है, ठीक है ना। सब टी स्क्वेयर, अगर मैं इस 15 का रूट कर दूं और रूट करके इसका स्क्वेयर कर दूं, ठीक है ना, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, वही वैल्यू रह जाती है। ये मैंने समझाने के लिए दिया था, अगर स्क्वेयर से रूट कैंसिल कर दो तो वही वैल्यू आ जाती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे जो इक्वेशन है। सो अब t² - √15 का स्क्वेयर, अब आपको देखिए इसको देख के कुछ आइडेंटिटीज याद आ रही होंगी 8th क्लास की, तो इसमें 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, a² - b² ऑलवेज इक्वल a + b * a - b। सो इसमें हमारा a क्या है, t, और b क्या है हमारा, √15। सो इसमें हम क्या करेंगे, t + √15 and t - √15,
ये आ जाते हैं हमारे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स मिल गए हैं तो जीरो निकालने की देरी नहीं है, सो जीरो के इक्वल रख देते हैं, रूट 15 इक्वल हो जाता है हमारा जीरो के। और सिंपल सी बात है, टी माइनस रूट 15 इसको भी हम इक्वल रख देते हैं जीरो के। अब जीरो के इक्वल रख दिया तो टी इक्वल हो जाता है हमारा माइनस रूट 15, ठीक है ना। एक जीरो ये आ गई और एक टी हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा रूट 15। दो जीरोज निकल गई, अब दो जीरोज निकल गई है तो इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे, सो वेरीफाई करते हुए आएगा हमारा कोफिशियंट, सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल कोफिशियंट ऑफ बी, वो भी किसका, माइनस का एंड बाय ए, ठीक है ना। अब सम कर लेते हैं इनका, रूट 15 ये क्या है माइनस की, अब ये एक जो रूट 15 है किसकी है प्लस की, और जो हमारा बी है दिया नहीं है, किसके इक्वल है जीरो के, सो बाय हमारा जो ए है वो किसके इक्वल है वन के। सब देखिए माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 किसके इक्वल हो गई जीरो के, और ये जीरो बाय, अब ये तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है। सो ये किसके इक्वल हो जाती है हमारी, जो सम ऑफ जीरोज है ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि रूट 15 माइनस का है और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 15 प्लस के साथ, किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलवेज किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। सी क्या होता है हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि माइनस 15, और जो ए होता है वो क्या है हमारा वन, ये क्या है हमारा वन। अब माइनस है और ये प्लस है, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस, अब रूट 15 की मल्टीप्लाई रूट 15 के साथ 15, ठीक है ना। क्यों रूट की मल्टीप्लाई, जब भी रूट से करते हैं रूट कैंसल एंड इट बिकम्स, जो हमारा जो रूट के अंदर नंबर है वो ही लिख देते हैं। सो रूट 15 माइनस 15 इक्वल आता है हमारा माइनस 15 के नीचे वन है, वन की है यार कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में, सो माइनस 15 इक्वल आया हमारा माइनस 15, ये हमारा प्रूव हो गया। अब बढ़ते हम सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ में क्या है, ये तो हमको दिया ही मिला यार, इसमें तो क्या है चपाती बस मिली हमको खानी खानी रहती है। सो 3x² माइनस x माइनस 4, अब 3 की मल्टी हम 4 के साथ कर देते हैं, कितना है हमारा 12, और अब 12 है सो मल्टीप्लाई 12 के इक्वल है, और जो इनका जो मतलब जो सम यानी कि जो जमा होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर 1 के, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होना चाहिए। सो 3x², मैंने फैक्टर पहले से निकाल के रखे हैं, आप अपनी कॉपी में निकाल के देख सकते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब 3x² है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर क्या रह रहा है x माइनस 4, यहाँ पर भी 3x माइनस 4, कॉमन क्या ले लिया मैंने प्लस का 1, ठीक है। फैक्टर क्या हो जाते हैं मेरे 3x माइनस 4 इंटू में x प्लस 1, फैक्टर निकल गए, सो जीरोज भी निकाल लेते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल जीरोज, और यहाँ पर x प्लस 1 ये भी किसके इक्वल होता है जीरो के। अब 3x x निकाल लेता हूँ, माइनस का 4 है उस तरफ जाएगा, प्लस का 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, अब यहाँ पर भी x की वैल्यू प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा माइनस का 1, x की वैल्यू निकल गई हमारी 4/3 एंड माइनस 1। अब जीरोस निकल गई है तो सम और प्रोडक्ट दोनों ही निकाल लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट का रिलेशन, वेरीफाई। सो वेरीफाई में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी, ये फॉर्मूला मैं आपको बता भी चुका हूं, अगर नहीं है सो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी जीरोस होती हैं ऑलवेज इक्वल होती है माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहां पर हमारे कोफिशिएंट होते हैं, और सॉरी जो इसके सम होता है ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का सम, और अल्फा इनटू मल्टीप्लाई, जब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई हो जाती है इक्वल होती है सी बाय ए के, ठीक है। अब इसको जो सम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, सम क्या होता है हमारा जीरोस का 4/3 प्लस माइनस 1, ठीक है ये किसके इक्वल होगा माइनस बी बाय ए, इसमें क्या हमारा माइनस 1 और ए क्या हमारा 3, ठीक है, और माइनस 1 है तो एक माइनस बी का और एक माइनस इसका क्या हो जाता है हमारा, ठीक है 1/3। अब इनको जोड़ लेते हैं 4/3 माइनस 1/1 इक्वल हो जाता हमारा 1/3 के, ठीक है 3 एलसीएम हो जाएगा और 4 माइनस, अब देखिए 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सो 1 की जब भी हमारे डेनोमिनेटर में 1 होता है सीधा एलसीएम की मल्टीप्लाई ऊपर से कर देते हैं
माइनस के 3 1 बाय 3 से। अब जो हमारा जो इक्वल इसके आए है 1 बाय 3 इक्वल आता है हमारा 1 बाय 3 के, जो सम है हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। अब प्रूफ करते हैं इनकी मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहां पर। सो ये ऐसे का ऐसे, जीरो भी ऐसे का ऐसे, सो 4 बाय 3 इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके साथ, माइनस के 1 के साथ। इस किसके इक्वल आएगी, c बाय a के। c क्या हमारा माइनस का 4, a क्या है 3, ठीक है। अब माइनस के 1 के मल्टीप्लाई ऊपर के साथ 4 के साथ हो गए, कुछ कट भी नहीं रहा है, माइनस का 4 बाय 3 ऑलवेज इक्वल माइनस का 4 बाय 3, ठीक है ना। ये हमारी जो प्रूफ थी ये हमने कर दिया है, प्रोडक्ट भी सम भी। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर।